जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आते रहते हैं पैसों के बारे में कि आर्थिक रूप से तंगी चल रही है, पंडित जी हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस आर्थिक रूप से तंगी से बाहर आएँ। और आर्थिकता के रूप में मुझे कई बार बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम ओवरऑल आर्थिकता, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, आपके पास आपकी जो आर्थिक स्थिति उसे कैसे मजबूत आप कर सकते हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब बटन दबाएं, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें। देखिए, आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं तो सबसे पहली और मुख्य आदत अपनी ज़िंदगी में आपको डालना होगा धन का संचय। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये बचाने की आदत डालें। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप जितना भी महीने में कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, थोड़ा, शुरुआत थोड़े से ही होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो आपको दिखाई देता है, लेकिन शुरुआत थोड़े से होती है। चाहे आप 10 रुपये से करें, 5 रुपये से करें, 20 रुपये से करें या 100 रुपये से करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पैसे बचाने की कोशिश करें, संरक्षण की, संचय करने की कोशिश करें। पहले जो गुरु रहस्य आपको मैंने शेयर किया इसी ध्यान में। दूसरी बात है गलत आदतें। हम 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारी जो गलत आदतें हैं, व्यसन हैं, उनमें हम आधा पैसा खर्च कर देते हैं। आप अगर उन्हें ओवरऑल 365 दिन में डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा कि 1-2 लाख रुपये हमने व्यसन पर उड़ा दिए, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इन चीज़ों को देखिए, मैं जानता हूँ आज की जो आधुनिक दौर है कि प्रोफेशनल लाइफ में हमें कुछ प्रोफेशनल होना पड़ता है, लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल ही रहने दें, लेकिन जो हमारी तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है, जो धन का सोर्स है, जो धन है, उसे बिल्कुल बेफिजूल खर्च मत करिएगा, उसे सेविंग्स पे ही ध्यान देना है। लेकिन आप प्रोफेशनल में उसे व्यक्तिगत ले लेते हैं और बस उस व्यसन को, उन आदतों को पकड़ कर हमेशा रखते हैं, और उससे धन का लॉस हो जाता है। क्योंकि नशे में कई बार हम कुछ और बात कह जाते हैं और कुछ भावुक होकर कुछ कर जाते हैं, धन का खर्च कर देते हैं, क्योंकि आदमी का मस्तिष्क जब कंट्रोल में नहीं होता है तब वो कुछ भी करने को, कुछ भी कर देता है। कई लोगों को नुकसान हुआ है जो आपको मैं अनुभव से बता रहा हूँ। तो दूसरी है कि गलत आदत और व्यसन से दूर रहना है। तीसरी बात है लालच। आपके पास जो धन पड़ा हुआ है, आपको कोई लालच देगा कि हम ऐसा कर देंगे, या कोई भी लालच, किसी लालच में हमें नहीं पड़ना है। उस धन को केवल हमारे पास रखें, अपने बैंक खाते में रखें, जहाँ भी आप सेविंग्स करते हैं वो सेविंग्स में रखना है, उसे बैंक पे रखें। कोई ऐसी स्कीम्स हो जहाँ डबल पैसा हो जाए, या कोई भी फंड हो, या जितनी लुभावनी चीज़ें हैं उन लुभावनी चीज़ों में नहीं, सरकारी जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो भी रास्ते हैं, उनमें ही इन्वेस्टमेंट करें, उनमें ही पैसा बसाएं। और ख़ासकर शेयर मार्केट से तो मैं आपको दूरी बनाने की पहले ही राय दे देता हूँ। शेयर मार्केट में आप बिल्कुल मत उलझें, आपकी सेविंग्स भी चली जाएगी, वो एक नशा है, एक लत है, और आप बेफिजूल उलझ जाएंगे। तो इन चीज़ों को फोकस करेंगे। तीसरी बात, चौथी बात हो गई, घर में दरिद्रता को बाहर रखें। अपने जो भी पुराने कबाड़ सामान हो उस कबाड़ को आप फेंक दें, क्योंकि उससे अलक्ष्मी का वास होता है। घर में साफ़ सुथरा रखें, घर को पेंटिंग पुताई अगर आप नहीं कर पाए तो दीवारें साफ कर सकते हैं, ज़मीन फर्श साफ कर सकते हैं, अपने गादी बिस्तर जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ों को हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन्हें स्वच्छ और साफ रखना है। पाँचवा मंत्र याद रखेंगे आप, चौथा मंत्र। पांचवी बात है कि शरीर को साफ रखें, महिला पुरुष जो भी हो, अपने बच्चों को भी, इन जो भी घर में जितने भी सदस्य रहते हैं, वो ये बात रहे कि रोज स्नान ध्यान करें, शरीर को साफ रखने की कोशिश पूरी करें। छठी बात है कि पैसे अगर आपके पास धीरे धीरे आएंगे, पैसे आए तो पैसे हैं या अभी नहीं भी हैं, जब भी हो, पर पैसों का दिखावा कभी मत करना। दिखावा करने से कई बार लक्ष्मी रूठ जाती है, तो दिखावा बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल शांति से रहना है। सातवीं बात है महिलाओं की इज्जत। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, अगर आप महिलाओं की इज्जत करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि आंखों में कुछ और दिल में और कुछ और जुबान पे कुछ और, पूरी एक सुध में होना चाहिए, पूरा सम्मान, पूरा समर्पण और पूरी अपनत्व का भाव होना चाहिए महिलाओं के प्रति, क्योंकि वो देवी है, लक्ष्मी का स्वरूप है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बात एक बात है कि मेहनत कर, फल की चिंता मत कर। तो मेहनत, हमारी जो मेहनत है वो हम पूरी ईमानदारी से करें, फल की इच्छा ना रखें, केवल मेहनत करना है और इच्छा रखें, ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी बहुत बड़ा गहना है और बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से आपको बचा सकती है। ये 9-10 बातें जो मैंने आपसे शेयर की दोस्तों, वाकई में ये बातें अगर आप अपनाते हैं
ये 9 बातें आप अपनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मैं वादा करता हूँ कि आपके पास कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। एक और बात है कि धन जो है भाग्य से ज़्यादा और किस्मत से ज़्यादा, भाग्य से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी नहीं मिलता। तो आपकी भाग्य बहुत अच्छा है, आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने कमेंट्स में राय ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।